do guys like girls who are hard to get? Who should pay on a first date? The most important question जो मुझे जानना है. Hello everyone, welcome back to my channel. This is Samardeep and today I have my friend Parvram on my channel because today's video is going to be asking my guy friend the questions that girls are little afraid to ask. So how are you? क्या करते हैं फिर बॉय टॉक क्या होती है. ओके बट वैसे मेरे पास एक काफी अच्छी खासी लंबी लिस्ट है क्वेश्चंस की जो मैंने आपके लिए बना के रखी है. कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे जो मैं खुद पर्सनली बहुत लाइक जेन्युइनली जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है. सो आई होप कि आप यू नो ट्रू आंसर करोगे. बिल्कुल. ओके सो नाउ लेट्स विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इन टू द वीडियो. बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट हेयर केयर. सो एज यू नो कि मैंने अपने हेयर दो बार कलर भी करवाए हैं एंड प्लस समर सीजन इज ऑल्सो हियर. सो इट्स ऑब्वियस कि हमें हमारे हेयर थोड़े ड्राई फील होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड हेयर कलर के बाद तो और भी ज्यादा. तो आई केम अक्रॉस एन अमेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम स्टेमियो विच इज प्योर आमला रिठा शिकाकाई भृंगराज हिबिस्कस पाउडर्स फॉर हेल्दी हेयर एंड स्कैल्प. ऑल दिस पाउडर्स आर मेड अप ऑफ pure natural ingredients and there is no added chemical in any of this powder, so you just don't have to worry about any harmful effects to your hair. And to use this powders for your hair, all you have to do is add all the powders in equal quantity in a bowl and just mix it with water, make a paste and apply it on your hair, keep it for some time and then wash your hair and then you are done. Because of natural ingredients used in this powder, इसके काफी सारे फायदे हैं. जैसे कि it reduces dandruff, it repairs your split ends, जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्प्लिट एंड्स की. इट रिपेयर्स स्प्लिट एंड्स, इट रिड्यूस डैंड्रफ, प्रमोट्स हेयर ग्रोथ, इट इवन मेक्स योर हेयर मोर मैनेजेबल, एड्स शाइन टू योर हेयर एंड कंडीशन योर स्कैल्प एंड वॉट नॉट. आफ्टर आई यूज दिस प्रोडक्ट आई कैन लिटरली नोटिस सम पॉजिटिव रिजल्ट ऑन माई हेयर. So if you also want to take extra care for your hair, then you can also get this product. मैंने link description box में provide कर दिया है. Go to that link and take extra care for your hair. Alright, so I am having the full list of questions जो मैं पूछने वाली हूँ. So starting with the first question is, how do you know that the guy is genuinely into you, like into a girl? मतलब वो तो पूरी दुनिया को ही पता लग जाता है. कैसे? अगर एक क्लासरूम है तो पूरी क्लास को पता लगा ही होगा. लड़की को भी पता नहीं लगता है, बाकी सबको पता लग ही जाता है. ये लड़कियों को ज्यादा मुश्किल होता है, लड़कों का तो क्लियर कट होता है भाई, वो जीभ लटका के पीछे भागते हैं. सिंपल सी बात. ओके चलो नेक्स्ट वन इज, व्हाट्स मोस्ट अट्रैक्टिव क्वालिटी यू फाइंड इन अ गर्ल? पर्सनालिटी, हेयर्स, लुक्स. ओके मतलब आप सिर्फ अपने ओपिनियन से बता रहे हो या इन जनरल बता रहे हो? हाँ जनरल, लड़कों का भी यही होता है, लुक्स होती है, फिर वो बात अच्छी करे, अच्छे से करे, खुश खुश. एंड आई गेस आपके केस में ह्यूमर. हाँ ह्यूमर तो मेरे अंदर है, मेरे को चाहिए नहीं सामने. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डू गाइज गेट जेलस इफ देयर गर्लफ्रेंड इज हैविंग लॉट ऑफ गाय फ्रेंड्स? हाँ इज इट? यस. और वो होता ही है, क्योंकि अगर वो लड़कियों को लगता नहीं, उनको होता है अरे फ्रेंड या ये है, पर लड़कों को थोड़ा फर्क पड़ता है. लड़कों को वैसे ही आजकल बेस्ट फ्रेंड जो टर्म है उससे बहुत प्रॉब्लम होती है. और अगर ये केस वाइस वर्सा हो तो? वो लड़कियां बताए, हम क्या बताए. ऑब्वियसली फर्क तो पड़ता ही है लड़कियों को भी, बट ठीक है अगर पड़ता है फर्क तो बताते क्यों नहीं? बताए फिर बताए, फिर लड़ाई होती है, फिर वही परेशानी. बट एक्चुअली गर्ल्स समटाइम्स लाइक this thing ke you know your boyfriend is getting jealous of other boys, ye thoda cute bhi lagta hai ladkiyon ko. Usse mirchi lagwana acha lagta hai. Aur kai baar girls janbujh ke bhi jealous feel karwati hai. Wo chala jaye. Chala nahi jaye but ha dekhne ke liye ki okay he cares about it. Okay next one, what are some of the things guys like that girls do? कोई चीज ही चीज है जो नहीं अच्छी लगती, लड़की तुम्हें अच्छी लगती फिर वो जो करे वो अच्छा ही लगता है. अच्छा तो कुछ ऐसा है नहीं कि ये चीज नहीं पसंद है ऐसा कुछ? हाँ फिर वो बेवकूफ हरकतें भी करे फिर अच्छी लगती है, क्योंकि हो गया ना आपको अच्छी लगने लगी, नहीं अच्छी लगती फिर वो कुछ भी करे. ओके नेक्स्ट वन, व्हाट इज टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन इन अ गर्ल फॉर यू? टर्न ऑफ तो यार नॉन हाइजीनिक होना बिल्कुल, थोड़ा वैसे रहना, और टर्न ऑन तो फिर एवरीथिंग.
और उसमें टाइम कितना लगता है फट फट क्यूट गर्ल्स और हॉट गर्ल्स क्यूट वंस नाइस ओके थॉट्स ऑन पीडीए 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 पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन मेरे को उतना नहीं पसंद है और काफी मेरे ख्याल से ऐसे लड़कों को भी इतना नहीं होता है बिकॉज़ जिन्होंने किया हुआ है ना मेरे दोस्तों ने उनका मैंने सुना हुआ है कि वो इसलिए करते हैं कि लड़कियां चाहती थी वो करे तो इसलिए वो करते थे बट काफी सारे लड़कों को नहीं काफी को पसंद होता है पर्सनल चॉइस है मुझे नहीं पसंद नाइस वैसे नहीं पसंद होना चाहिए ओके हु शुड मेक द फर्स्ट मूव डांस में नहीं रिलेशन में रिलेशन मतलब इन शॉर्ट के डू यू लाइक व्हेन गर्ल्स मेक द फर्स्ट मूव यस ऑफ कोर्स और वो होना चाहिए लड़कियां आजकल क्या होता है काफी ज्यादा वो होती है कि भाई सामने से ही लड़का आए करे हां तो मेरे ख्याल से लड़कियों को लग रहा है तो कर लेना चाहिए ओके सो यू लाइक इट हां ऑफ कोर्स कौन नहीं पसंद करता अच्छा पर्सनालिटी और गुड लुक्स पर्सनालिटी हां नॉट गुड लुक्स गुड लुक्स एक बार चली जाएंगे पर्सनालिटी से गुड लुक्स अपने आप आ ही जाती है ओके सो द नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वन डू गाइस लाइक गर्ल्स हु आर हार्ड टू गेट मैंने नोटिस किया काफी लड़कों में मेरे में ऐसा नहीं है पर मेरे काफी फ्रेंड्स में ऐसा है लाइक वो एक फ्रेंड है मेरा जिसको शायद तू भी जानती है शायद भी जानती है तो उसका भी था वो लड़की के पीछे पड़ा था पर लड़की जैसे ही उसके पीछे पड़ने लगी वो एकदम से टर्न अप हो गया उसको थोड़ा मजा तभी आता है जब वो थोड़ा पीछे भागे या फिर जाके वो अचीवमेंट मिले ये तो लड़कों में होता ही है कीड़ा आई डोंट नो व्हाई हां सो वो उनके रहता है कि वो क्योंकि हार्ड टू गेट होते हैं तो उसके लिए ट्राई करना कुछ करना और फिर जो आपने हर मूवीज में देखा हुआ है वो सब करना फ्लावर्स देना ये सब चीजें करना तो फिर होता है बट हां तो ओके मतलब पसंद है लड़कों को तो मतलब गर्ल्स शुड प्ले हार्ड है ना नहीं ऐसे तो नहीं करेंगे मेरे साथ तो नहीं बाकी किसी का भी करें अच्छा यू डोंट लाइक द गर्ल्स हु आर हार्ड टू गेट नहीं मेरा ऐसा रहता है कि मैं अपना कोई अच्छा बना लूं ताकि वो सामने से आ जाए ओह नेक्स्ट डू हाइट मैटर्स ऑफ व्हाट गर्ल्स की नहीं हाइट ऑफ शेमलेसनेस या फिर हाइट ऑफ बुल हाइट नॉर्मली हाइट इज बॉडी हाइट हाँ ठीक है हाँ, लड़कियों की हाइट उतनी मेरे ख्याल से मैटर नहीं करती ठीक है मतलब छोटी भी क्यूट लगती है लंबी लंबी अच्छी लगती है आपको क्या कौन अच्छी लगती है आपका क्या ओपिनियन है 5.5 पॉइंट कम ऑन अरे इसमें कोई इंच से जोड़ना होता है जो भी हाइट की हो मतलब शॉर्ट मतलब हाइट शॉर्ट गर्ल और टॉल गर्ल टॉल मैटर तो वही रहेगा पर यह है कि लाइक पर्सनालिटी वाइज अगर अच्छी है तो फिर कोई भी ओके फर्स्ट थिंग यू नोटिस इन गर्ल्स बॉयज नोटिस इन गर्ल्स क्या आइस इतना सोच के क्यों बोला सोचने का था ही नहीं कुछ हां आइस बाकी मैं ये चैनल में नहीं बोल सकता ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु शुड पे ऑन अ फर्स्ट डेट मोस्टली गाय व्हाई सो मेरे ख्याल से गाय में थोड़ा एक वो रहता ही है बॉयज में थोड़ा कि भाई हम फर्स्ट पे करें हां बाद में जाके चलो इक्वल हो जाएगा सब हो जाएगा और फर्स्ट डेट पे तो मेरे ख्याल से गाय को ही करना चाहिए मारे सबसे क्या मेरे को ऐसा लगता है कि टच कर लेना चाहिए तभी हाँ हाँ मतलब ऐसा मतलब बॉयज को लगता ही होगा ऑब्वियसली कि उन्हें पे करना चाहिए बट एट द सेम टाइम मैं अपनी अगर बात बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार टच कर लेना चाहिए बिकॉज इट्स जस्ट अ फर्स्ट मीटिंग तो ऐसा लगता है कि सिर्फ वो ही क्यों पे कर ऐसा क्यों तो मेरे हिसाब से टच कर लेना चाहिए बात का ठीक है पहले बार तो एक बार लड़के को दे देना चाहिए ठीक है हाँ मतलब मैं ऐसा फील करती हूँ और नॉट ओनली ऑन द फर्स्ट डेट में मतलब मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं टच ही कर देना चाहिए आधी लड़कियां खाली हो जाए अगर ये सब करे तो हालांकि मैं डेट पे गई नहीं हूँ इतना जो मैं बोल रही हूँ कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है बट या नेक्स्ट डू गाइस क्राई ओवर गर्ल्स पहले नहीं किया मेरे दोस्त ने किया रियली मतलब यूजुअली ऐसा होता है लड़कियां रोती है एक्चुअली लड़के रुलाते हैं लड़कियों को तो ही रोती है बट डू गाइस आल्सो लाइक क्राई ओवर गर्ल्स दे रियली वांट दे रियली लाइक अलग हो जाए तब करते हैं फिर मान ले जब नहीं मिली हो बहुत तंग कर रही हो तो कोई भी हो जाता है तो रोते हैं और उसके सामने नहीं कभी बताएंगे ऑब्वियसली उसके सामने तो ठीक है बट गर्ल्स अगर किसी की वजह से रोती है तो कई बार बता देती है तूने तेरी वजह से मैं रोई तूने 150 लोगों को पता लग जाता है कि वो रोई है नहीं 150 को कई बार नहीं बता दी सबको पता लग जाता है कि वो रोई है ये हर वैसे लड़की पे भी डिपेंड करता है वो कितनों को बता रही है ओके व्हाई आर बॉयज लेस एक्सप्रेसिव वो जेनेटिक प्रॉब्लम है व्हाट जेनेटिक जेनेटिक होती है तो चलता आ रहा है जेनेटिक होती है ना तो किसी किसी में होती हर एक में नहीं होती सबके जेनेटिक्स यही थे ना हम बंदर से है तो बंदरों के टाइम शट अप यार कम ऑन
बोलो सही में आंसर करो। यही है क्योंकि लड़कियां एक्सप्रेसिव ज्यादा होती हैं, तो किसी एक को होना होता है, और काफी टाइम ये होता है कि कुछ लड़कियां जो एक्सप्रेसिव नहीं होती ना, तो उसमें लड़के बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। मैंने तो लड़कों को इतना एक्सप्रेसिव नहीं देखा, लाइक अगर उन्हें कुछ सीधे सीधे से भी बोलना होगा वो ऐसे घुमा फिरा के जलेबी की तरह बात करेंगे। मैं बोल दूं कि भाई सीधे बोलना क्या हो जाएगा। यही कई बार हमें ऐसा लगता है, मैंने देखा होगा कि भाई लड़कियां उतना अच्छा ले नहीं पाती हमारी बातों को ना, हमेशा उल्टा करके ही लेना होता है, तो उसकी वजह से फिर वो समझते हैं कि आगे नहीं बोले तो अच्छा, पर वैसे कई दीवार में टक्कर मार ले। कई बार लड़कियां जानबूझ के भी नहीं लेती उनके हिंट्स, यू नो व्हेन गर्ल इज नॉट इंटरेस्टेड, तो कई बार गर्ल्स ऐसा कर देती है कि क्या इसका क्या मतलब हुआ, वो थोड़ा घुमा देती है फिर बात, और फिर लड़के बोल तो पाते नहीं। ओके, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे जानना है, बहुत अच्छे से जानना है, व्हाई डू गाइस घोस्ट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग व्हेन दे आर नॉट इंटरेस्टेड, और या फिर व्हाई डू बॉयज डू दिस थिंग के एक बार बस लड़की हाँ बोल दे उसके बाद दे चेंज। ऐसा कुछ लड़कियों के साथ ही होता है, ज्यादातर के साथ नहीं होता है, नॉर्मली तो होता है वो लोग इतना पीछे भागते हैं तो फिर वो रहते हैं उसके साथ, बाकी घोस्टिंग कम होता नहीं। मैंने तो बहुत ये नोटिस किया है कि एक बार मैं मतलब उसे कन्विंस करने के लिए दे विल डू हेल लॉट ऑफ थिंग्स एंड जब लड़की मान जाती है, लड़की विल से यस, दे विल चेंज लाइक शी नेवर एग्जिस्टेड। ऐसा क्यों होता है? स्टार्टिंग से उनका इंटेंशन शायद वही होगा, उनका होगा कि ठीक है ट्राई करते हैं, हुआ तो हुआ, फिर उसको उनको था कि ठीक है नहीं हुआ तो छोड़ दो, या तो वैसा। तो फिर इतना पहले ट्राई क्यों करते हैं, लड़की से हाँ क्यों बुलवाते हैं, फिर खाली बैठे कुछ तो करें। या तो फिर ऐसा होगा कि उसे सिर्फ लड़की से हाँ ही बुलवानी है एंड लड़की ने हाँ बोल दी, इट्स लाइक ओके मैं जीत गया ऐसा। नहीं, व्हाई डू गाइस गिव हिंट्स रादर देन saying it directly, क्योंकि वो होता है ना कि फ्रेंडशिप खराब ना हो जाए। अगर सीधा सीधा बता दिया तो वो भी चीज है, वो भी चीज चली जाएगी, तो थोड़ी हिंट देके देखते हैं। अगर सामने से कुछ आए पर लड़कियों का डीट होती है तो वो भी सामने से कुछ देंगे नहीं, तो फिर वही लंबा खींच जाता है। अगर वो शादी से बता दे तो खत्म, चट मंगनी पट गया। इतना आसान भी नहीं होता कमल, बट हाँ ये हो सकता है कि फियर ऑफ लूजिंग फ्रेंडशिप में भी दिस इज द आंसर। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने मुझे जानने थे, और आई होप आपने सब ट्रूली आंसर किए, आई बिलीव सो। So yes, मुझे तो काफी मजा आया ये वीडियो में। I hope you also enjoyed the video. And if yes, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you guys next time. Till then, take care. Bye.